जितेंद्र, आपको ये आरएस टॉपर्स टॉक में इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एंड आपका मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब आपका आरएस 2018 में एलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपकी जर्नी जो है, चूंकि आपने काफी अपने चौथे अटेम्प्ट में इसको पाया है और जैसा मुझे मालूम है आपने कुछ और सर्विसेज भी सिलेक्शन हुआ, अब आईएएस के एग्जाम में भी ट्राई कर चुके हैं, तो आपकी स्टोरी मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा ही इंस्पायरिंग होने जा रहा है कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, आप सहजता से सर बातचीत आप बता दीजिएगा। सबसे जी पहले बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, जितेंद्र आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका। सर, मैं राजस्थान से ही हूँ और राजस्थान में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है देवल, उस गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में हुआ है और वो मैंने अपने डूंगरपुर यहाँ होम टाउन से किया है। हिंदी मीडियम मेरा बैकग्राउंड रहा है, बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड से रहा हूँ। फादर मेरे फोटोग्राफर हैं, छोटा भाई है, उनका मेडिकल का स्टोर का काम है, मम्मी है, गांव में उप सरपंच है। तो और दूसरा, मेरा पढ़ाई में थोड़ा रुझान था, पहले बिजनेस में था फिर पढ़ाई में रहा। तो मुझे घर वालों ने पुश किया कि कंपटीशन के लिए तुम्हें ट्राई करना चाहिए, लेट्स जस्ट गिव अ ट्राई। तो मैंने सबसे पहले टीचर का एग्जाम दिया था तो वो क्वालिफाई हुआ। हमारे यहाँ पैशन है टीचिंग को लेके, और पैशन भी है और पैशन भी है, तो अच्छा, उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ। और फिर तब तक मुझे यहाँ एज सच कोई आइडिया नहीं है, हमारे इतनी अवेयरनेस नहीं है इस एरिया के अंदर। डूंगरपुर एक ट्राइबल एरिया है, टीएसपी भी लगता है यहाँ पे जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो मुझे यहाँ से पुश किया गया कि मैं आगे करूँगा, कुछ दोस्तों से मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि नेट भी एक एग्जाम होता है। तो मैंने नेट के लिए ट्राई किया, मैं उसमें जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई हुआ, मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया। वहाँ कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट लगा ये दूर की कौड़ी है, हम लोग नहीं सोच सकते उसके बारे में। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि सभी फॉर्म भरते हैं तो मैंने भी बाकी सारे फॉर्म्स भरे थे। फॉर्चुनेटली ऐसा कह सकते हैं कि जो भी रहा हो, ऐसी एसएस की प्रिपरेशन उस टाइम तो नहीं हुई थी, बट फिर आरएस भी क्लियर हो गया और आईएएस भी क्लियर हो गया, मेंस देने का मौका मिला। देन रियलाइज ये हुआ कि हो सकता है हम थोड़ी मेहनत और करें तो उसी तो हो सकती है, तो उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ने लगे। इन बिटवीन बैंक में जॉब लग गई, एज अ क्लर्क लगी, फिर बैंक में एज अ पीओ जॉब लगी, क्योंकि ड्रीम बड़ा था। तो फिर वो जॉब मतलब क्विट किया मैंने। बिल्कुल फिर इसी में यूपीएससी का फिर सीपीएफ का एग्जाम दिया था, तो मेरी 456 रैंक थी, बीएसएफ मुझे अलॉट हुआ था। तो उसी टाइम में मैंने आईएएस का मेंस दिया था, तो मुझे था कि बीएसएफ में जाने के बाद मे भी मैं अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर करूंगा, और जस्ट बिकॉज क्योंकि चीजें ठीक हैं घर में, चीजें अभी इतनी ठीक है वो मैं सरवाइव कर सकता हूँ उनके साथ। मैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए आईएएस के, तुम यहाँ तक पहुंचे हो। अगला अटेम्प्ट जब दिया तो आईएएस का इंटरव्यू कॉल हो गया था 2013 में, जब सिलेबस चेंज हुआ अच्छा, और एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस बिल्कुल हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली वहां से भी मेरे 20 नंबर शॉर्ट थे। मैंने फिर वापस प्रिपेयर किया, चीजें डायनेमिकली बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। फिर शादी भी हो गई उसी टाइम में, तो इसके इस बिटवीन शादी हो गई और फिर 2016 का मेंस दिया। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा एक लो फेज शुरू हो गया, जॉब्स में सारी छोड़ चुका था और मेरा प्रीलिम्स फिर क्लियर नहीं हुआ। तो लगातार 16, 17 और 18 जो मेरे लास्ट अटेम्प्ट थे वो भी एग्जॉस्ट हो गए काइंड ऑफ। फिर मैंने कोई कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह ज्वाइन की, मैंने उनके साथ में काम किया, काफी 2-2.5 साल उनके साथ में काम किया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जयपुर में। इसके बाद मैं 2016 में मैंने वापस इंटरव्यू दिया आरएस का, बट अनफॉर्चुनेटली वहां फिर मुझे एक बार असफलता मिली। मैंने फिर वही सारी कॉपीज वगैरह निकाली अपनी, उनको कमियों को दूर करने की कोशिश की और 2018 में वापस अपीयर किया। इस बार फिर इंटरव्यू कॉल हुआ, इस बार मुझे लग रहा था कि मैंने पीछे जो भी लर्न किया है उन चीजों को मैं शायद इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा अपनी कॉपीज वगैरह में और एक अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करूंगा। इम्प्रोवाइजेशन तो हुआ बट एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, तो माइट बी वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी डिलीवर करते टाइम में, क्योंकि टेस्ट वगैरह में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। तो एक सर्टन कॉन्फिडेंस था कि हम इस जगह पर लैंड करने चाहिए ऊपर की पोजिशन, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली चीजें वैसे नहीं गई। तो अभी कुछ कमियां तो रही होंगी, अभी पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या है यूं, बट थोड़ा सा डिप डिप करने की जरूरत है, खैर तो एक चलिए, बार जो कॉपी भी में। आई सबसे पहले आपकी मैंने इसलिए आपको बोलने के लिए कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत जल्दी हार जाते हैं, तो उनको आपसे सीखना चाहिए कि नेवर एक्सेप्टिंग द डिफीट, और ये लगातार आप अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं तो अल्टीमेटली आप इस मंजिल को पा करके हासिल करके बैठे हैं, आपने जो भी किए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो तमन्ना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और मुझे जी पूरी उम्मीद है कि अभी आपका प्रयास आगे जारी भी रहेगा, है ना। जी तो जितेंद्र, ये पूरी जो जर्नी है
जो अभी तक आप यहाँ तक पहुंचे हैं, हम कहें वो क्या स्ट्रेंथ है आपके अंदर जो आपको खींचता हुआ यहाँ तक लेकर आ रहा है, उसके बारे में जरा बताइए। पहली चीज तो सर, मेरे सराउंडिंग जो मेरी सोसाइटी है वो जिस तरीके से चीजों को वेलकम करती है, और जितना डिप्राइव्ड है ये एरिया, इसके बाद में यहाँ अवसर की समानता है होने के बावजूद भी हम उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। मुझे इतना एक्सपोजर मिला, इसके बाद में भी हम वहाँ नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो ग्रिट दिखानी पड़ेगी हमारी सोसाइटी को, हमारे इस एरिया को, यहाँ के लोगों को, कि अगर हम इसके बाद में भी अगर ब्रेक थ्रू देते हैं तो ये सोसाइटी एस्पिरेशन के लेवल पे आगे ले जा सकती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की होती है, और क्योंकि मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ सच में कर पाया तो हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, इस एरिया के लिए, हम सच में एस्पिरेशन जगाना एक बहुत बड़ी चीज होती है मेरी नजर में। आप किसी को पैसे दे सकते हो वो थोड़े दिन चलेंगे, पर अगर आप एस्पिरेशन देते हो तो हो सकता है आप किसी पूरी पीढ़ी को बदल पाने में कामयाब हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं छोटा भी अगर कंट्रीब्यूशन एस्पिरेशन जगाने के लेवल पे अगर कर पाऊंगा तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो मोटिवेशन है, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स, यही आपके लिए जाता है ना। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, क्योंकि आदमी थोड़ी देर में घबरा जाता है। आपकी स्टोरी अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन का है, और बिना जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कोई पर्पस सामने नहीं है, तो इतना लंबा इंसान चल नहीं सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर। तो ये इस बीच में आपकी शादी भी हो गई, आपने बाकी एग्जाम भी दिए, सारा चीज को, तो ये सारे चीजों को अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे मैनेज किया आपने? सर जब आप इस फ्रंट पे अब जब लड़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली मेरे छोटे भाई की तरफ से, और मेरे फ्रेंड्स की तरफ से, कि उन्होंने ये कहा कि चीजें समय के साथ मैनेज हो जाएंगी। अगर 2 साल लगने के बाद में भी अगर आप चीजें बेहतर कर पाएंगे तो ये कंपनसेट हो जाएगा जो आज आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ कि ये लोग इतना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और मुझे उसको आगे ले जाना चाहिए। तो मुझे ये फील हुआ, इसलिए मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, उन्होंने मुझे जो एक तरीके से मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेंथ दी है और मैं रिफ्लेक्ट कर पाया हूँ। एक जो एरिया है आपका, क्या वहाँ एजुकेशन का लेवल कैसा है, मैंने सुविधाएं वगैरह किस प्रकार की है? आप ये समझिए सर, राजस्थान के अंदर यहाँ जो लिटरेसी है वो बॉटम 2 में आते हैं। राजस्थान में जो लिटरेसी का जो रेट है, उस तरीके से ट्राइबल बेल्ट है पूरा, 70% प्लस यहाँ की पॉपुलेशन ट्राइबल है, इंट्रोवर्ट सोसाइटी होती है वो। तो सर एजुकेशन बहुत बुरी हालत में, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एक्चुअली सब्सटेंशियल नहीं है यहाँ पे। एक जो ना, ये जो ऑफिसर आपके जैसे गांव से निकल के आते हैं, उनके एक एम्पैथी होती है, आज आप इस मंजिल की ओर हैं, आपकी आपको ट्राइबल केयर का भी टाइम मिलेगा। लेकिन यदि मैं आपको पूछूं कि आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स जो इस तरह के छोटी जगह से निकल करके बनना शुरू होता है, तो आप कल जो SDM बन जाएंगे, तो वो क्या चीज आपके ड्रीम में है कि आप ट्राइबल्स के लिए क्या चेंज करना चाहेंगे, और ऐसे अनप्रिविलेज एरिया के लिए क्या चेंज करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात होती है सर एस्पिरेशन जगाना किसी भी चीज के लिए। जैसे आज मैं अगर किसी भी व्यक्ति से जाके ये कहता हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो सामने वाला आदमी पहले ये देखता है कि आपने क्या किया है। जब आपके पास में ये नहीं होती तो एस्पिरेशन रियल टर्म्स में नहीं होती है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन ब्रेन भी हम चीजों को उस तरीके से नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि अगर हम इस पोजीशन में अगर जाते हैं तो एक एस्पिरेशन जगाते हैं, दूसरा बात भी हमारे कार्य क्षेत्र की, मुझे लगता है एजुकेशन में और उस जो जागरूकता को लेकर जो चीज है, जो एस्पिरेशन जगाने का जो काम है, वो उस पोजीशन से जो किया जा सकता है सर, वो मैं सबसे पहले करना चाहूंगा। मैंने कार्ड या अवेकनिंग कह लीजिए, या उनके उनको मोटिवेट करना कि आगे कैसे मोटिवेट करने वाली बात, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। एंड व्हिच एन एग्जांपल्स कि सबसे पहले तो आप खुद बन गए, या आगे और आप अपग्रेड होके SDM बन गए, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन तो वही हो जाएगा। एक आपके पूरी जर्नी में, चूंकि आप तैयारी करते रहे, आपने हायर स्टडीज भी कर लिया, नेट भी क्वालिफाई कर गए, ये सारी चीजें आपकी बनती रही, लेकिन आप जो फ्रेशर आने वाले जो कैंडिडेट हैं, आपके जैसे स्ट्रगलर्स हैं,
उनके लिए आरएस के प्रिपरेशन के जो बेसिक टिप्स कहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो गलतियां आपसे हुई या कमी रह गई उसको ध्यान रखते हुए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर अगर प्रिपरेशन के लेवल पे बात करें तो एक पता है कि इंटरनल हमारे पास में क्या चीज चाहिए, जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, लो फील नहीं करना चाहिए, अपने सर्कल को सेलेक्ट करना चाहिए। एक बाहर की चीज जो चीजें हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आरएस उसके जो डिसिप्लिन के लिए जो चीजें फॉलो करनी है वो दो अलग चीजें हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, एक विषय को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए जिसके लिए हम एनसीईआरटी या ऐसी चीजों को गो थ्रू कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे लिए कोई है या मैं किसी के अंदर भी देखता हूँ या मैंने जो टॉपर से बात की जो फ्रेंड्स है वो है प्रैक्टिस। सर अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन वहां तक वो डिलीवरी नहीं होती है, वो आप उस कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपके साथ में 15,000 लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किस एनवायरमेंट से आते हैं आप नहीं जानते हैं। तो अगर आपका वहां कोई साथ देती तो वो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सो रहे हैं जाग रहे हैं आप मतलब किसी भी दिन है एक भी दिन आप प्रैक्टिस के बिना अगर आप छोड़ रहे हैं तो चीजें आपके लिए कभी भी खराब हो सकती है। और मैं इसका एग्जांपल हूँ कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की, इसके बाद में भी बहुत कमियां रहेगी। मुझे लगता है शायद मैंने 100 टेस्ट की प्रैक्टिस की, मुझे शायद 400 टेस्ट की जरूरत है। तो मैं मेंटली अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगा या मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे भी लोगों को प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस जो है मेक्स वन परफेक्ट, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जैसे शुरुआत के तौर पे जो अपने एक्सपीरियंस से क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस तरह के किताबों पे ध्यान देना चाहिए, इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आज से अगर 10 साल पहले बात करें तो ये बहुत मुश्किल हो सकता था, अवेलेबल भी नहीं थी, आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे। आज की पोजीशन ये, मैं अपने गांव में बैठा हूँ, मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आज से 10 साल पहले अगर आपसे कनेक्ट करना होता तो मुझे दिल्ली आना होता आपसे मिलने के लिए, या अगर कभी आपने जयपुर सेमिनार किया तो वहां मैं मिल सकता था। लेकिन आज के टाइम में सर ये बहुत फिजिबल है, अब सारा मामला विल का है। तो करना आपको यही है कि जैसे आपके जो लेक्चर्स हैं या और भी जो भी बड़े टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर रहते हैं, बहुत सारे टॉपर्स रहते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल या उनके माध्यम से, तो उनको सबको एक बार आप गो थ्रू करके एक बहुत मोटा आइडिया ले सकते हैं। नहीं अगर आप वेल ऑफ हैं, अगर आप चीजें ठीक कर रहे हैं और आपके घर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक छोटा मोटा कोचिंग भी ले सकते हैं, उससे आपको ये पता चल जाता है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि करने के लिए तो बहुत सारे, आप दुकान पे जाएं तो आपके दिमाग चकरा सकता है, इतने बुक्स हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिकली अगर चीजें शुरू करनी है तो जो जो लोग सफल हैं उनकी आप बात सुनिए, इसके बाद में वो उन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो की हैं उनको अगर आप करेंगे तो तैयारी के अंदर आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है। आपसे बात की जा सकती है और टीचर से बात की जा सकती है। और अगर मेरी नजरिए से बात करूँ तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू होना चाहिए, सिलेबस आप सामने रखिए, इसके बाद देखिए कि एनसीईआरटी में ये किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से ये पार्ट है, उसको पूरा एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वैल्यू एडिशन के लिए ये हो सकता है कि मार्केट में कोई और चीज अवेलेबल हो, इतनी से नोट्स हो आपके पास में, इन चीजों को भी आप वैल्यू एडिशन के रूप में उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। और अपना मटेरियल तैयार करें, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक गाइड ले लिया आपने और उसी के थ्रू आप जा रहे हैं। सिलेबस और आपके नोट्स के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर उस तरीके से डिलीवर हो रहा है। हमने ये सब कोशिशें की थी बट हो सकता है हम कहीं फेल रहे हैं, उसके कारण से हम उतना स्केल नहीं कर पाए चीजों को। तो मुझे लगता है बेसिक से चीजों के साथ में अपनी चीजों पे ज्यादा रिलाई करना बनिश्चित कि हम कोई गाइड उठा लें मार्केट से। जितेंद्र जो आप कहना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स फॉर्म में और मैं दोबारा ध्यान दिला देता हूँ ऑडियंस को कि जो तैयारी करना चाहते हैं सबके पास आपका एक सिलेबस है जिसको आरएस ने आरपीएससी ने डेवलप किया हुआ है रिसर्च करके। एक तो पहले उसको ध्यान से देखिए, फिर आपको एक सिलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स बनानी चाहिए और इन सारी बातों को समझने के लिए जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं इंक्लूडिंग जैसे हमारा आप बात करें इस तरह का इंटरव्यू है आईएएस के लिए भी मोर देन 200 टॉपर्स के साथ ये सक्सेसफुल क्या मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बना चुका हूँ जो चाणक्य एस्केर में यूट्यूब चैनल पे है, आपके साथ भी आरएस का बना रहे हैं बीपीएससी का बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज के दिन में इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो स्टूडेंट को एक सेलेक्टिव नॉट मेनी ऑल्सो जिससे कि आप वॉच कर करके पहले एक मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि यदि संघर्ष आपके साथ है तो पहले के कैंडिडेट के साथ भी रहा होगा। आप देखिए आप अपने आप में एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी जो इनको लोगों को समझना चाहिए। और फिर उसके बाद देन गेटिंग प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट और अपने पढ़ करके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से यदि नोट्स बनाएं जो आप कहना चाह रहे हैं तो उससे क्या होगा क्या उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। क्योंकि हर नोट्स बनाने वाले के पास अपना कॉन्सेप्ट होता है, जब अपना बनाएंगे तो रिविजन के लिए भी लास्ट मोमेंट में भी आपके बहुत काम आएंगे। दैट इज वेरी गुड। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मीन्स दोनों का ऑफकोर्स सिलेबस काफी कॉमन है तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तो मस्ट है जो आपने भी किया होगा, लेकिन कुछ प्रीलिम्स के लिए कुछ खास टिप्स होते हैं
कि जो ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए, वो आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए अगेन मैं ये कहूंगा कि आपके एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके लिए आपको प्रैक्टिस पे बिलीव करना चाहिए। नॉर्मली होता है ये हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई गई कहाँ तक है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर जा रही है सारी चीजें। तो आपको एग्जाम के टाइम में पता चलेगा उनको रिकॉल हुई या नहीं हुई, अगर वो रिकॉल नहीं हुई तो आपके साथ में वहाँ डिजास्टर हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको अगेन प्रीलिम्स के जो टेस्ट पेपर है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, या अगर आपने खुद कहीं और किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, जो मार्केट में आपको 10-10 रुपए में पेपर मिल जाते हैं, आप वो सारे पेपर आप जितने मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो वो आपको उस एनवायरमेंट से आपके दिमाग को यूज टू करता है उस कंडीशन के अंदर। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस अगेन यहाँ एक वाइटल रोल प्ले करती है। पढ़ना जरूरी है, इससे आपको अपने कमजोर एरिया आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ये एरिया मेरे कमजोर है, तो जब आप पढ़ेंगे तब भी आपकी ग्रास्पिंग ज्यादा बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस मस्ट होता है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, फिर वही बात आ गई। और चूंकि क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो जितना फैक्ट्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मक्षित बिश्नोई है, मैं डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली डिक्लेयर्ड आरएएस एग्ज़ाम 2018 के रिजल्ट में मेरी 400वीं रैंक आई है। मेरे सक्सेस का क्रेडिट मैं मेरे माता पिता, भगवान, मेरे टीचर्स और चाणक्य एकेडमी को देना चाहूँगा। इंग्लिश मीडियम का होने की वजह से स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था, बट चाणक्य एकेडमी के टीचर्स और मैनेजमेंट ने उस फेज में मेरी काफ़ी हेल्प की और मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की, और साथ ही इनकी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ ने भी मेरे प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्टअप किया, और इनके आरएएस के मॉक इंटरव्यूज़ का जो इन्वायरमेंट था वो एक्चुअल इंटरव्यू के इन्वायरमेंट के काफ़ी सिमिलर था, तो इनके फीडबैक और सजेशन ने भी मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को काफ़ी मजबूत किया। सो थैंक यू चाणक्य। प्री और मेंस के बीच में यदि आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस पूछें कि अप्रोच में क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? फंडामेंटल अप्रोच में सबसे बड़े जो डिफरेंस है वो चीजें ये है कि आप उसको बहुत फैला सकते हैं प्रीलिम्स को, वो आपको एंडलेस साउंड होगा, जबकि मेंस के साथ में ये है कि चीजें बहुत लिमिटेड है। अगर आप उसको एक बार करना शुरू करेंगे तो वो हो सकता है आपके 200-300 पेज के अंदर उसको पूरा समराइज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए छोटी से छोटी चीज मायने रखती है, तो कंसेप्चुअल डिलीवरी और राइटिंग ये प्रीलिम्स से बिल्कुल अलग है। उसके अंदर आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जगह डेवलप करना होता है, जबकि इसके अंदर आपकी समझ और आपका आर्टिकुलेशन और आपका लिखना, ये तीन चीजें मैटर करती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मुझे नजर आता है। वेरी गुड। अच्छा, मेंस के एग्जामिनेशन में जो राइटिंग स्किल है वो किस तरह की राइटिंग स्किल एग्जामिनर चाहता है और उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए? सर बहुत ईमानदारी से करूँ तो मेरे लिए भी अभी ये मिस्ट्री है, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा चेंज करने की कोशिश की है। यूपीएससी में मेरे मार्क्स हमेशा अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अच्छे आए, लेकिन मेरा अपना आरपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर अलग रहा है, क्योंकि मेरे अजम्पशन इस बार जो भी रहे हैं वो थोड़े अंडर रहे हैं, मैंने जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए। तो मैं एग्जैक्टली अभी खुद नहीं समझ पाया हूं, तो सर मुझे नहीं लगता मुझे अभी उस बारे में कुछ कहना। बहुत ईमानदारी से आपने, कोई नहीं, आपने बहुत ईमानदारी से आंसर दिया, अभी क्लैरिटी अभी बाकी है, लेकिन आपके भी आप पे थोड़ा सा जो आपको भी शायद काम आएगा, हम कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उसके अप्रोच को समझें और क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन ही अपने आप में आपको एक डायरेक्शन देता है, फिर अपनी राइटिंग को, जैसे मान लो एक लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, हो सकता है पहली बार आप सारी बातें पहले लिमिटेड वर्ड्स में ना कर सकें, तो अपनी ही राइटिंग को एक आंसर लिखने के बाद आप उसको प्रिसाइज कीजिए कि सही शब्दों के सिलेक्शन के साथ और कितनी चीजें गागर में सागर डाल सकते हैं, इसके हिसाब से एक बार दो बार अपनी आंसर को जब एडिट करते हैं या किसी सीनियर से चेक कराते हैं तो आपको उसकी क्लैरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। बट क्वेश्चन के अराउंड रहना, ना वो नहीं कि जो आप जानते आंसर दें, आंसर वो दें जो एग्जामिनर चाहता है क्वेश्चन में, और उसके एक एक वर्डिंग का बड़ा मायने होता है, तो इसके अराउंड प्रैक्टिस करने से आपको लाभ मिलेगा। करेक्ट। सिविल सबसे इंटरव्यू चाहिए, सोचे पीसीएस, आपने दोनों जगह इंटरव्यू दिया, राइट? सबसे पहले तो आप बताइए कि चाणक्य आईएएस अकेडमी जो मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आपने की, उसका किस तरह से आप लाभ उठाया, क्या और क्या आपका ओपिनियन रहा उसमें? पहली चीज तो ये कि सर जो पैनल वगैरह है वहाँ पे और जिस तरीके के सवाल पूछे थे तो वो ठीक वैसे ही होते जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं आपके लिए,
और आप उसके लिए तैयार करते हैं, उस टफ सिचुएशन के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में जो फीडबैक होता है वो उन सारी चीजों को, जो भी आपके एरर्स रहे हैं, कहाँ आपको फोकस करना है, फिर चाहे वो आपके पॉस्चर को लेके भी अगर कोई नेगेटिव इमेज अगर जा रही है तो उसके ऊपर भी वो काम किया। तो बहुत बारीक चीजें जो एज ए इंडिविजुअल हम देख नहीं पाते उन चीजों को, तो वो आइडेंटिफाई करने में और उनको ठीक करने में मुझे मदद मिली थी उन सारी चीजों के अंदर, जिस पर मैंने काम भी किया। मुझे इंटरव्यू में फाइनली 70 मार्क्स मिले भी थे, तो मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ सर उस कॉन्ट्रीब्यूशन के। मैंने चाणक्य ऐसे अकेडमिक मॉक इंटरव्यू का आपको इसमें विशेष फायदा मिला, 70% नंबर भी आपको मिल गए। एक्चुअली ये 30 साल का हेरिटेज है चाणक्य का, जिसको मैंने डेवलप किया अपने अंदर में, कि उसके हिसाब से आप कैसे, आपको वो सारी गलतियां जो आप कर सकते हैं, जो पूछा जा सकता है वो एक्चुअल इंटरव्यू में, वो आपको हम पहले बता दें। तो इसके लिए आपको इस कॉम्प्लीमेंट के लिए स्पेशल थैंक्स टू यू। अब ये बताएं कि जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, जो RS इंटरव्यू है, जब फाइनली वहां गए, तो पहले किसका बोर्ड था और क्या अनुभव रहा आपको बोर्ड का, एक्चुअल इंटरव्यू का? सर, बोर्ड का अनुभव, मेरा इंटरव्यू बोर्ड जो था वो रामूराम राय का, इकोनॉमिक्स के सर थे, उनके बोर्ड में पढ़ा था मेरा इंटरव्यू। और अनुभव बहुत प्लीजेंट नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा अनुभव था उनके साथ। उन्होंने जो सवाल वगैरह पूछे थे, बहुत ज्यादा नहीं, 15 मिनट ही इंटरव्यू चल रहा था मेरा, थोड़े सवाल हटके थे, ना मेरी हॉबी से थे ना ही किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से थे। उन्होंने कुछ साइंस टेक से सवाल पूछे थे, कुछ बहुत जनरल कॉमन सेंस से सवाल पूछे थे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि नाइट्रोजन गैस टायर में क्यों भरते हैं, दूसरा सवाल था कि कारण क्या है। तो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने नाइट्रोजन को कहा कि ये स्टेबल कंपाउंड है, तो उन्होंने पूछा कंपाउंड, फिर मैंने कहा नहीं सर, ये एलिमेंट है, बट ये जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो उसकी वैलेंसी वो स्टेबल हो जाता है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने स्टेपनी का टायर देखा है, उसमें जो स्टेपनी होती है वो छोटी होती है, वो छोटी क्यों होती है? तो क्योंकि वो मैंने पहली बार सुना था, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था। साइंस से और भी उन्होंने सवाल पूछे थे, उसके बाद में एरिया से सवाल पूछे थे, TSP से, 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा, 6वीं अनुसूची के बारे में पूछा। इसके बाद मैं जिस एरिया से रहता हूँ, वहाँ पिछले एक साल के अंदर एक उपद्रव हुआ था यहाँ पे, जिसको काकरी डुंगरी कांड कहते हैं, तो उसके बारे में पूछा था। फिर एक अलग स्टेट बनाने के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्यों बनाना चाहिए जो उस एरिया में आपकी डिमांड चल रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम है या फिर आपको प्लस लगती है या आपको माइनस लगती है, अंडर लगती है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत प्लीजेंट था, एक दो सवालों के जवाब छोड़ के जो मुझसे पूछे गए थे वो नहीं आया। एक 370 पे भी पूछा था उन्होंने मुझे कि 5वीं और 6वीं अवेलेबल है तो 370 क्यों, 370 लागू किया तो अब क्या फायदा हुआ, आपने कितने प्लॉट खरीदे, आपके कितने भाइयों की शादी हुई, कुछ उस तरीके के सवाल भी थे वहां पे जो ट्रिकी थे। तो पर मैं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़े बैलेंस आंसर उनको दे पाया था और मेरा प्लीजेंट रहा था उनके साथ एक्सपीरियंस। 15 मिनट में फिर उन्होंने मना कर दिया था कि टाइम हो गया, तभी आपको 70% नंबर मिल भी गए हैं, दैट इज ए गुड। तो जितेंद्र, चूंकि आपकी अभी जर्नी बाकी है, अभी भी एग्जाम देने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तब प्रॉपरली जो SDM बन चुके होंगे। बट तब तक के लिए जो कुछ भी आपने ईमानदारी से शेयर किया है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक संघर्ष की कहानी को समझते हुए आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट्स को एक्सक्यूजेज लेने की आदत नहीं रहेगी, आपको सुनकर लोगों को संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। आप जाते जाते आप कुछ बेसिक चीजें जो आप शेयर करना चाहेंगे वो जरा बताइए कि क्या है, जो लोगों को 2-3 पॉइंट में आप टिप्स देना चाहेंगे। पहली चीज तो ये कि सर, RPSC बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है, आपकी कॉपीज वगैरह दिखाती है, तो अगर आपने पहले मेंस दे रखा है तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपनी कॉपीज को देखें, खुद भी इवैल्यूएट करें, अपने टीचर से भी इवैल्यूएट करवाएं, अपने फ्रेंड से भी इवैल्यूएट करवाएं, तो आपको वो एरिया पता चलेगा जहां आपकी प्रॉब्लम है। मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूं उन चीजों के लिए। दूसरा, अगर प्रीलिम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वापस प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेंस के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर अगेन आपको प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस ही मेरे लिए एक मूल मंत्र जैसा कि आपको वही करनी चाहिए। तो मैं तो सब इतना ही चाहूंगा कि प्रैक्टिस से ही है, कमजोरियां हैं मेरी भी अभी हैं, मैं भी डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ उन चीजों को वो कर पाऊँ। अगर आपने मेंस नहीं दिया है तो आपको चाहिए कि मेंस की कॉपी सर्कुलेट होती है मार्केट के अंदर, आप 2013 की भी होंगी, 16 की भी, आप वो देखें कि अच्छे आंसर किस तरीके से लिखते हैं। हमने कोशिश की थी, हमने सीखने की कोशिश की थी, बट हो सकता है हमसे डिलीवर नहीं हुआ, तो हम सिर्फ कंपैरिजन करके उनको चीजों को देखेंगे। मुझे लगता है किसी के लिए भी ये एक बेहतर तरीका हो सकता है काम करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे उम्मीद है आपके जो स्टोरी है लोगों को बहुत काम आएगा। एंड जितेंद्र, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू, एंड आप बहुत बहुत शुभकामना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑनेस्टली योर ऑल द जर्नी इन RS टॉपर्स टॉक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.